अब ये जो फाइन लगाने का सिलसिला चल गया है हम लोगों के ऊपर, हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी, चीफ जस्टिस का इन्वेस्टिगेशन सरकारी एजेंसी करे ये बात ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, इसलिए कोई स्वतंत्र एसआईटी का गठन होना चाहिए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये अरुण मिश्रा साहब जो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं उन्होंने, और इसमें ये भी थे खनविलकर साहब जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, इन दोनों ने डिसमिस कर दी और 25 लाख का फाइन हमारे कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लगा दिया। सवाल ये है कि इन लोगों की जो ये बेलगाम पावर है, आर्बिट्ररी पावर, कोई हमारी तो जवाबदेही है नहीं, कोई हमारे खिलाफ कोई अपील है नहीं, तो इसलिए कुछ भी कर दो। खासकर वो जज जो रिटायरमेंट के पास आते जाते हैं और जिनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की जरूरत होती है, जैसे अरुण मिश्रा साहब, इन्होंने हरिन पांड्या का जजमेंट दिया, हमारे ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया। उसी तरह से गोगोई साहब को, उन्होंने रफाइल का फैसला दिया, अयोध्या का फैसला दिया सरकार के हक में, और उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। एकाद अपवाद ऐसे आते हैं, एकाद केसेस ऐसे आते हैं, जैसे मोहम्मद जुबैर के केस में अच्छा फैसला आ गया, एकाद और केसेस में अच्छा फैसला आ गया, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये देख रहे हैं कि आज न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल चरमरा गई है, और ऐसा दिखाई देता है कि न्यायपालिका ने अपने घुटने सरकार के सामने टेक दिए हैं। फोर्सेस हैं वहाँ के आदिवासियों को मारती पीटती हैं, बलात्कार करती हैं, जान से मार देती हैं, झूठे केस बनाकर लोगों को बंद कर लिया जाता है। सोनी जी को भी बंद किया गया था, उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी उस समय। अब ये सब क्यों हो रहा है? एक केस मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी चल रहा है, अडानी की कुछ छत्तीसगढ़ में कोयला की खदानों के बारे में। तो ये खदान बिना किसी बिडिंग के राजस्थान की जो माइनिंग कंपनी है उसको दी गई थी, राजस्थान सरकार की। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनियों को दे दिया। सरकार ने उसमें, चाहे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई यहाँ, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ही उसको नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ कोई माइनिंग नहीं करी जा सकती। उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भी बोला कि यहाँ कोई माइनिंग नहीं हो सकती, 3 लाख पेड़ काटे जाएंगे, बहुत डेंस जंगल है यहाँ पर। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर वहाँ पर अडानी को माइनिंग करने की परमिशन दे दी। तो पहली बात तो खैर, ये अडानी को सब कॉन्ट्रैक्ट करी ही नहीं जा सकती थी, लेकिन राजस्थान सरकार की ऑफिशियल माइनिंग कंपनी ने अडानी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि भाई ये कोयले की खदानों का ऑक्शन होना होगा और बगैर ऑक्शन के सिर्फ सरकारी कंपनी को दिया जा सकता है। सरकारी कंपनी कोई निजी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकती, लेकिन राजस्थान सरकार ने दिया और छत्तीसगढ़ सरकार, ये दोनों कांग्रेस की सरकार, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज इस देश में अडानी जैसी कंपनी के लिए सब लोग, सारी पार्टियां, सारे राज्य उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, और उस चक्कर में उनको हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ सुविधा ही नहीं, उनके कहने पर अभी तो वहां पर इसलिए माइनिंग नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने उसको बहुत अपोज किया हुआ है, बहुत लोकल ऑपोजिशन है ज़बरदस्त। लेकिन इस ऑपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, आदिवासियों को वहाँ से हटाने के लिए फिर ये सब किया जाता है, जिसकी वजह से
सोनी जो आपको बता रहे थे। देखिए देश में ये तो खैर आदिवासी एरिया की बात, और इस केस का तो खैर हिमांशु जी आपको बताएंगे कि कितने प्रमाण थे ये दिखाने के लिए कि ये जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने नक्सलों के साथ मुठभेड़ में मार दिया नक्सलियों को, लेकिन ये वहाँ के आदिवासी थे, बिल्कुल इनोसेंट आदिवासी थे जिनको मारा गया, इसके बहुत प्रमाण थे। और ये केस तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि क्राइंग फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं वहाँ की पुलिस जांच कर चुकी है। अरे भाई पुलिस के खिलाफ तो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इनको मारा, और वही लोग जांच कर चुके हैं, और इसलिए अब इसमें कोई और जांच होने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए आपने झूठा केस किया है क्योंकि पुलिस जांच करके ये कह चुकी है कि भाई नहीं सब कुछ ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। मतलब ऐसा बेहुदा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आना और उसके ऊपर ऐसा फाइन लगा देना कि 5 लाख रुपये इनके खिलाफ केस भी चला दो झूठा केस दायर करने का, इनके खिलाफ 5 लाख का फाइन भी लगा दो। हम लोगों ने एक्चुअली जब मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट में जजमेंट दिया कि तुमको कन्विक्ट किया जाता है, तुमने बड़ा सीरियस कंटेम्प्ट कमिट किया, ये दूसरी बात है कि उसमें 1 रुपये का जुर्माना लगाया और नहीं तो 3 महीने की जेल वगैरह, लेकिन कन्विक्शन तो कर दिया कंटेम्प्ट के लिए। तो हम लोगों ने एक केस फाइल किया कि भाई अगर जब सुप्रीम कोर्ट कोई ओरिजिनल कंटेम्प्ट में आपको दोषी ठहराता है कोई क्रिमिनल चार्ज में, ये क्रिमिनल चार्ज है, तो उसमें कम से कम एक अपील होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि किसी भी जने के खिलाफ अगर कोई कन्विक्शन होता है तो कम से कम एक अपील होनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल करी कि भाई इसमें एक अपील तो कम से कम होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में ही कोई लार्जर बेंच के सामने जाए, नहीं तो कोई दूसरी बेंच के सामने जाए, एक अपील तो हो। तो उस पर अभी नोटिस इशू किया हुआ है। इसी तरह से अब ये जो फाइन लगाने का सिलसिला चल गया है हम लोगों के ऊपर, हम लोगों ने एक पिटिशन फाइल करी कि भाई वो पुराने चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनका CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज स्कैम में उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो हमने ये पिटिशन फाइल करी कि भाई CBI तो सरकारी एजेंसी है, चीफ जस्टिस का इन्वेस्टिगेशन सरकारी एजेंसी करे ये बात ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, इसलिए कोई स्वतंत्र SIT का गठन होना चाहिए जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। वो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने, और ये अरुण मिश्रा साहब जो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं उन्होंने, और इसमें ये भी थे खनविलकर साहब जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, इन दोनों ने डिसमिस कर दी, और 25 लाख का फाइन हमारे कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर लगा दिया। अब 25 लाख की जगह 25 करोड़ भी लगा सकते थे। सवाल ये है कि इन लोगों की जो ये बेलगाम पावर है, आर्बिट्ररी पावर, कि कुछ भी कर दो, कुछ भी कह दो, कोई हमारी तो जवाबदेही है नहीं, कोई हमारे खिलाफ कोई अपील है नहीं, तो इसलिए कुछ भी कर दो। और यही किया गया इस केस में भी, ऐसा बेहुदा जजमेंट कि आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस जिसके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार दिया आदिवासियों को, कि उन्होंने ही जांच कर ली और उन्होंने बोल दिया सब ठीक है तो इसलिए सब ठीक है, और आपने झूठा केस बनाया है और आपके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब अजीब ट्रेंड बन गया है, और बहुत सारे जजों को ये लगने लगा है, खासकर वो जज जो रिटायरमेंट के पास आते जाते हैं और जिनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की ज़रूरत होती है। जैसे अरुण मिश्रा साहब, इन्होंने हरिन पांड्या का जजमेंट दिया, हमारे ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया, हम लोग गए थे कि इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईकोर्ट भी ये कह चुका है कि भाई ये गुजरात पुलिस ने बिल्कुल बोगस इन्वेस्टिगेशन किया था, गलत लोगों को पकड़ लिया था, फिर भी उसको डिसमिस करके हमारे ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया था उस केस में। उसके बाद उन्होंने कई अहम फैसले, बिरला सहारा वगैरह सब दिया, और रिटायरमेंट के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन का उनको चेयरमैन बना दिया गया। पहले तो 6 महीने तक उनको
अपना ऑफिशियल घर रिटेन करने दिया गया, रूल्स के सब रूल्स को सब दरकिनार करके एक महीने के अंदर खाली करना होता है बंगला। उनको 6 महीने तक रखने दिया गया, उसके बाद उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बना दिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का। उसी तरह से गोगोई साहब को उन्होंने रफाइल का फैसला दिया, अयोध्या का फैसला दिया सरकार के हक में, और उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। अब खानविलकर साहब 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, अब देखिए कि इनको क्या मिलता है रिटायरमेंट के बाद। तो ये एक तरीका बड़ा प्रचलित हो गया है कि जजों को रिटायरमेंट का के बाद का कोई नौकरी का लुभान देकर और उनसे जो चाहो फैसले करवा लो। और ये बात अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट में बोली थी कि the lure of post-retirement jobs influences pre-retirement judgment of judges and this is a serious threat to the independence of the judiciary। और हम देख रहे हैं कि आज ये सब हो रहा है। मैं तो थोड़ा सा बस हटके न्यायपालिका की बात करना चाहता था कि देखिए आज देश में हम देख रहे हैं कि हर तरह से लोकतंत्र का मौलिक अधिकारों का पतन हो गया है और देश एक बिल्कुल फासीवादी ट्रैक पर निकल गया है। ऐसे सिचुएशन में न्यायपालिका की खासकर सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे संविधान में जो हायर जुडिशरी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको दायित्व दिया गया है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और कार्यपालिका और विधायिका को अपने दायरे में रखना। ये सब बहुत बड़ा दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हर तरह से हमारे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय मूक दर्शक बनकर इन सब चीज़ों को देख रही हैं और मौलिक अधिकारों की और लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रही। एकाध अपवाद ऐसे आते हैं, एकाध केसेस ऐसे आते हैं, जैसे मोहम्मद जुबैर के केस में अच्छा फैसला आ गया, एकाध और केसेस में अच्छा फैसला आ गया, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये देख रहे हैं कि आज न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा दिखाई देता है कि न्यायपालिका ने उच्च न्यायपालिका ने उच्च और उच्चतम न्यायपालिका ने अपने घुटने सरकार के सामने टेक दिए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सबका दायित्व बनता है कि जब जब हम ये देखें कि न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही और हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, वहाँ पर हमको बिल्कुल खुल कर उसका उसके खिलाफ हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल खुल के और ज़ोर के करना चाहिए। और जहाँ जहाँ वो कुछ अच्छा काम करते हैं वहाँ पर हमको उनका प्रेज करना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है न्यायपालिका की फंक्शनिंग के ऊपर भी। तो इसलिए बाकी तो सब बातें और लोग करेंगे, लेकिन मैं बस न्यायपालिका के बारे में ही थोड़ा बहुत कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।